हाँ सर, ओके सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक अगेन। तो पिछले सेशन में हमने बेसिक से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चंस थे और एक इंटीग्रल रूट से क्वेश्चन बताना जरूरी था तो वो मैंने कर लिया। आगे का जो टॉपिक हमारा होता है, जो मैंने लिस्ट में टॉपिक्स लिखाए थे, उसमें अगला जो टॉपिक हमें पढ़ना होता है दैट इज कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। ठीक है, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। ठीक है, तो ध्यान से समझना, कॉमन रूट्स वगैरह का जो भी बात होता है ना, वो हमेशा तब आता है जब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे। ठीक है, तो लेट सपोज करो कि हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और वो क्या क्या है। एक क्वाड्रेटिक है a1x² + b1x + c1 = 0, और दूसरा है a2x² + b2x + c2 = 0। These two are the quadratic equation। ठीक है, अब चलो यहां पर देखो पहला केस क्या होता है। If both roots are common, पहला केस, अगर मान लो इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स कॉमन हो गए। दोनों रूट्स कॉमन होने का मतलब है कि ऊपर वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रूट आया है 2, 3, तो वही रूट नीचे वाले का भी आया है। अगर दोनों इक्वेशन के दोनों रूट्स कॉमन हो गए तो बेसिकली ये क्या कंडीशन हो जाता है, ये एक ही क्वाड्रेटिक बनेंगे कि नहीं बनेंगे, जरा सोचो। तो अगर मान लो मैंने ऊपर वाले क्वाड्रेटिक का जो रूट्स है वो 2, 3 है और नीचे वाले भी क्वाड्रेटिक का रूट्स जो है वो 2, 3 है, तो दोनों एक ही क्वाड्रेटिक बनेंगे। तो जब दोनों क्वाड्रेटिक एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाएंगे तो ये बेसिकली कैसा कंडीशन होगा, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। This is the condition जब दोनों roots common होंगे। और I think ये तुम्हें कहीं ना कहीं थोड़ा याद आ रहा होगा जो तुमने class sir last year किया था, condition of coincident line। जब एक line दूसरे के ऊपर coincide कर जाता है तब ये condition होता है। दोनों same line ही हो जाते हैं ना तब यार, जब अगर एक line दूसरे ऊपर coincide करेगा तो दोनों तो same line हो जाएंगे ना। आई बात समझ में? तो ज्यादा load मत। हाँ sir, बोथ रूट्स कॉमन का मतलब है कि पूरे का पूरा कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब जरूरी चीज ऊपर वाला नहीं है, जरूरी है नीचे वाला। जब तुम्हारा इफ ओनली वन रूट इज कॉमन, ये ओनली वन रूट इज कॉमन, जरूरी ये है। अगर मान लो किसी क्वाड्रेटिक, ऊपर वाले क्वाड्रेटिक का और नीचे वाले क्वाड्रेटिक दोनों के एक ही रूट कॉमन होने का क्या कंडीशन होता है, इसका पूरा बड़ा सा तरीका होता है इसको प्रूव करने का। वो मैं प्रूव नहीं करके दिखाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। उसमें क्या करते हैं कि पहले तुमने वो वाला मेथड पढ़ा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टेक्निक, कहां पर पढ़ा हाँ सर, लीनियर इक्वेशन वगैरह में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेक्निक पढ़ा है क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? ठीक है, जैसे x² वाले को छिपा देंगे फिर इधर क्रॉस टेक्निक, वही टेक्निक से बनता है। ठीक है, टेक्निक से मैं पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, मैं तुम्हें याद रखने का एक तरीका बता देता हूँ। ठीक है, तो तरीका क्या है, ठीक है, तो तरीका देखो क्या है, तुम दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन दे दो। तो भैया जब दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा तो इधर क्या बनेगा, ब्रैकेट का स्क्वायर बनेगा कि नहीं, देखो। तो दो ब्रैकेट दे दो, तो दो ब्रैकेट जब मल्टीप्लाई होंगे तो उसका स्क्वायर होगा। अब एकदम इसी तरह से लिखना, पहला वाला ब्रैकेट में ए बी भर दो, ए बी माइनस ए बी, कोई दिक्कत नहीं, ए बी माइनस ए बी। दूसरा वाला ब्रैकेट किससे भराएगा, बी सी माइनस बी सी, और तीसरा वाला ब्रैकेट किससे भराएगा, सी ए माइनस सी ए। और एकदम यही ऑर्डर में लिखना, ए बी बी सी सी ए, ए बी बी सी सी ए। ठीक है, पहले वाले ब्रैकेट को पूरा का पूरा ए बी से भर देना, दूसरे वाले ब्रैकेट को बी सी से भर देना, तीसरे वाले ब्रैकेट को सी ए से भर देना। और ऐसा करने के बाद तुम क्या करना, एक फोन नंबर याद रखना, 1221 1221 1221 1221 फिनिश।
इस कंडीशन पे बैठा दो सारे वैल्यूज को, सवाल का जवाब आज आई बात समझ में, आई बात समझ में बोलो, गॉट इट? सर 1 2 2 1 का क्या सिग्निफिकेंस है? अरे भाई 1 2 2 1 वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है भाई। अरे ये है जैसे देखो 1 2 2, अरे मेरे भाई उसको 1 2 2 1 मत समझो, वो A1 लिखा हुआ है और A1 एक्चुअली है क्या? पहला वाला क्वाड्रेटिक का x² का कोफिशिएंट। अरे मैं कोफिशिएंट समझ में आया। अच्छा B2 का मतलब क्या है? दूसरे वाले क्वाड्रेटिक सेकंड वाले इक्वेशन का। हां सर समझ x का वो मैं, अरे मैंने उसको याद करने का तरीका बताया यार बस। आया समझ में सभी को? आया क्या? हां सर समझ गए क्या? तो थोड़ा सा तो थोड़ा सा काम करोगे, एक थोड़ा सा मेहनत करोगे थोड़ा इसमें, लेकिन भाई लोग बहुत अच्छे से पहले A1 B1 और C1 लिख देना, A2 B2 और C2 लिख देना, तभी फिर आगे काम करना, वरना गड़बड़ हो जाएगा। मैं बता रहा हूं अगर तुम अभी नया नया सीख रहे हो ना, इसलिए रिस्क मत लेना, एक बार अच्छे से पहले लिख लो और ये फॉर्मूला तो तुम्हें हमेशा याद रहेगा। दो ब्रैकेट, ब्रैकेट का स्क्वायर, पहले वाले ब्रैकेट को AB से, दूसरे वाले ब्रैकेट को BC से, तीसरे वाले ब्रैकेट को CA से, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, दैट्स इट बस। चलो जरा देखो तो इसका क्या आंसर आता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सर यही तो कंडीशन है बस। बस बस यही, अभी इसमें चमत्कार तुमको मैं दिखाता हूं ना, पहले मैं तुम्हें थोड़ा इजी क्वेश्चन करवा देता हूं, फिर मैं एक चमत्कार दिखाऊंगा। थोड़ा सबर रख, रुको जरा, सबर करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द इक्वेशन 2x² + kx - 5 = 0 एंड x² - 3x - 4 = 0 हैव वन रूट इन कॉमन। भैया इसका एक रूट कॉमन होगा। अब अगेन बच्चा लोग मैं बोल रहा हूं, इसका एक इजी मेथड है और इसका एक टफ वाला मेथड है, ठीक है? तरीके हैं, बहुत तरीके हैं इसको करने के, दो तरीके हैं, बट मैं पहले चाहता हूं कि मैंने जो तुम्हें वन रूट का कंडीशन बताया है ना, पहले उसको एक बार आजमा लो, प्लीज प्लीज उसको एक बार आजमा लो, बाकी तो फिर मैं हूं ही बताने के लिए, ठीक है? पहले उसको आजमा लेते हैं। चलो 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 चलो, उसके बाद तुम्हें मैं चखमा देता हूं एक मजेदार वाला। थोड़ा सा आराम से करना, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, आराम से पहले लिख लो कि सर A1 मेरा ये है, A2 मेरा ये है, ऐसे कर करके थोड़ा सा अच्छे से लिख लो, कोई टेंशन की बात नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, ठीक है? साथ साथ चलेंगे। अगर मैं A1 का बात करूं तो वो 2 होगा, B1 का बात करूं तो K होगा, और C1 का बात करूं तो -5 होगा। क्या मैंने सही लिखा? क्या सही लिख दिया ना? हाँ जी सर। अच्छा, और मैं ना जस्ट इसके नीचे ही थोड़ा लिख देता हूँ, मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। A2 का वैल्यू 1 होगा, B2 का वैल्यू -3 होगा और C2 का वैल्यू -4 होगा। अच्छा चलिए, सर आपने बताया दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन और लगे हाथ ब्रैकेट का स्क्वायर, चलिए ठीक है। आपने बोला कि इसको AB से भर देने के लिए, इसको फिर बोला BC से भर देने के लिए, और इसको फिर बोला CA से भर देने के लिए, तो ये कितना हो जाएगा? 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। अब सारे वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं, क्या दिक्कत है? आओ आराम से करते हैं, कोई लफड़ा नहीं है। A1 B2, तुम लोग करते चलो, मैं तो तुरंत तुरंत कर दूंगा, तुम लोग कर लो पहले, तुम लोग कर लो, मैं तो तुरंत ही कर दूंगा, मुझे टाइम नहीं लगेगा ज्यादा। -6 - A2 B1 - K, इसके बाद है -4K - 15 और इधर है -5 + 8 का होल स्क्वायर। ये बैठा क्या तुम लोगों का? ये बैठ गया क्या? देख लो एक बार। हाँ सर। पक्का? अच्छा, तो इधर हो जाएगा लगभग जी सर।
ओके दैट्स गुड यार, इधर लगभग लगभग 9 हो जाएगा, ठीक है ये भी सही बैठा होगा आई थिंक, और इधर आ जाएगा के है ना, तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर, इधर से 15 6 90 होगा वहां पर, लेकिन ये हो जाएगा -24k और +24k +15k, 24 और 15 +39k और 16 5 90, ये 90 हो गए, और ये 9 को अगर मैं इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर +39k +81 = 0। यहां तक आ गए क्या तुम लोग, यहां तक आ गए क्या, जल्दी देखो जल्दी देखो। हाँ सर, हाँ सर, हाँ। अच्छा अब सवाल है सर, इसको कैसे तोड़ा जाए, तो कर पाओगे क्या तुम लोग, देखो शायद सर। हाँ बोलो 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 बोलो, एक मिनट सर, एक इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन चाहिए ना, मैं मल्टीप्लीकेशन नहीं करूंगा, देखो 4 × 81 है ना, मैं इसे फैक्टराइजेशन ही कर देता हूँ सीधा, इसको मैं लिख दूंगा 2 × 2 और इसको मैं लिख दूंगा 3 × 3 × 3 × 3। अब तुम्हारे पास जरा 39 बनाने का कोशिश करो, तो 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 27, 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 12, 27 और 12 हो तो गया, ठीक है ये देखो, यहां से यहां तक ये और यहां से यहां तक ये बना, क्या देख लो जल्दी देख लो। हाँ सर यही आया, हो गया ना। हाँ सर, बस अब आगे तुम लोग कर लोगे, तो इसको कर लेना 4x 4k स्क्वायर प्लस कितना होगा 3 × 3 = 27 है ना, और इधर 3 × 2 = 6, इधर 12k ले लो और इधर 27k ले लो, +81 = 0, तो बस अब क्या है और कुछ नहीं है, 4k हो गया, k + 3 + 27 ले लो, k + 3 = 0, तो यहां से हो गया k + 3 और ये हो गया 4k + 27 = 0, k का वैल्यू कितना आ रहा है -3 और एक वैल्यू कितना आ रहा है -27/4, आया क्या बोलो बोलो जल्दी। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। अच्छा तो सर ये तो थोड़ा बड़ा वाला तरीका हो गया ना, ठीक है कोई बात नहीं, चलता है अभी नया नया ना, एक और तरीका बता ही दो सर, तो वो बहुत आसान है, लेकिन वो तरीका आसान तब होता है जब तुम्हारा दूसरा वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अच्छा खासा निकल के आ जाएगा। क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिडिल टर्म फैक्टराइज होके अच्छा खासा रूट दे रहा है, जरा देखो तो। हाँ सर, कितना दे रहा है, चलो अगर दे रहा है तो सर, 4। हाँ 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 बोलो बोलो बोलो, 4 सर, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x = 4 और x = 1, अरे होगा क्या देख लो तो, ये वाला एक छोटा मेथड बता दे रहा है, होगा ना। अच्छा सर इसके दोनों ही रूट्स कॉमन है, तो एक काम करते हैं ना, एक बार x मान लेते हैं कि अगर x हमारा x = 4 अगर हमारा कॉमन होगा, अगर x = 4 कॉमन होगा तो वहां पुट कर देंगे ना, क्या दिक्कत है। हाँ सर, पर x = 4 इसके रूट, अगर जैसे देखो x = 4 इसका रूट है, x = 1 इसका रूट है, तो ये दोनों ही उसके भी तो रूट्स होंगे ना, और रूट्स का क्या मतलब है कि अगर मैंने x का वैल्यू 4 यहां से उठा करके वहां पुट किया तो वो पूरा सिस्टम जीरो बनना चाहिए ना, जीरो बनना चाहिए ना। पुट करो, पुट करो ना, जरा जरा पुट तो करो, इसमें तुम x का वैल्यू को 4 पुट करो, बस एक ही। हाँ हाँ बोलो। 4 करने से सर वो -27/4 आ रहा है। यस, वो आएगा ही आएगा, वो मैंने बोला ना वो डेफिनेटली आएगा, तो x = 4 अगर पुट करोगे तो 4 × 4 = 16, क्योंकि x का स्क्वायर है, और 16 × 2 = 32 +4k - 5 = 0, लो सर 4k का वैल्यू -27 और k का वैल्यू -27/4। तो ये चीज मैं फिर से बता रहा हूं, ये छोटा मेथड, अब बाकी का तुम देख लेना, x = 1 रख के करोगे ना तो वो आ जाएगा, टेंशन नहीं। तो मैं बेसिकली ये बोल रहा हूं कि ये मेथड तभी कारगर होता है जब दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अच्छा खासा रूट निकल के आएगा। अब अच्छा खासा रूट निकल के आने का क्या मतलब है, मतलब तुम्हारा वो मिडिल टर्म फैक्टराइज हो जाए। तो सर अगर मान लीजिए मिडिल टर्म फैक्टराइज नहीं होगा तो क्या करेंगे, फॉर्मूला मेथड तो है ना सर, नहीं कभी मत उठाना फॉर्मूला मेथड के साथ, कभी मत उठाना, गड़बड़ हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूला मेथड जो है, अगर मान लो स्क्वायर रूट, वो दूसरा वाला जो सर सेकंड वाले इक्वेशन का सेकंड रूट -1 हो रहा है, +1 नहीं, -1 हो रहा है।
हाँ सर। अरे तो हाँ सर, मैंने तो बस ऐसे ही मतलब बोल दिया, मतलब अरे मेरे को कैलकुलेट नहीं किया था मैंने। जी मेरे बस वही गेस। सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी। चलो ठीक है, तो वो माइनस वन हो जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस वन एक रूट आएगा। ठीक है यार, ऐसा ना करो यार, रिकॉर्ड होता है। बट सॉरी सर, होता है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे रिकॉर्डिंग्स में जब लाइव रिकॉर्डिंग्स होता है ना, तो बहुत गलतियां करते हैं बच्चे, और मैं बच्चों पे भरोसा करके लिख ही देता हूँ। और फिर बाद में मुझे क्लास के बाद एक बच्चा, जैसे अभी तो तुम्हारे सीनियर्स बच्चे, दीदी या भैया जो भी हैं, तो वो मुझे बोलते सर ये कैसे कर दिया, तो गलत हो गया। तो फिर मैं बोलता यार तुम लोगों ने ही तो बताया था मेरे को, मैंने लिख दिया, मुझे लगा तुम लोग तेज हो मेरे से ज्यादा, तो मैंने कर दिया। अब कैलकुलेशन में थोड़ी ना उतना ध्यान देता हूँ यार, वो सारी चीजें तो तुम लोग थोड़ा देखोगे ना। चलो, तो x इक्वल्स टू वन माइनस वन हो जाएगा यहाँ पर, और फर्दर फिर रख के देख लेना। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि सर अगर मान लीजिए फॉर्मूला मेथड लगेगा, मान लीजिए किसी में ना मिडिल टर्म फैक्टराइज नहीं हो पाया, तो क्या फॉर्मूला मेथड नहीं लगा सकते? बेशक लगा सकते हो, लेकिन उसके बाद ना तुमको खुद ही हिम्मत नहीं करेगा कि उस एक्स का वैल्यू को तुम बाहर रखो, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि रूट वगैरह बचे रह जाएगा और रूट से तो अलग ही डर लगता है। आया बात समझ में? तो ये मेथड तभी कारगर होगा, शॉर्टकट मेथड है ना, वो तभी कारगर होगा जब देख लेना कि क्या वो मिडिल टर्म फैक्टराइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। बस दैट्स इट। अगर हो रहा है तो वैसे कर लो, और अगर नहीं हो रहा है सर तो क्या करेंगे? अरे भैया इतना अच्छा सा ब्रैकेट वाला फॉर्मूला तो बताया मैंने। आया बात समझ में? आया सभी को समझ में? बोलो हाँ सर। यस सर। अब चलो बच्चा लोग, तुमको एक चकमा देता हूँ, वैसे इसमें तो नहीं हो जाएगा, इसमें तुम संभाल पकड़ ही लोगे चीजों को, मुझे ऐसा लगता है। एक और थोड़ा सा कर डालो यार, थोड़ा सा जरूरी नहीं है। हाँ बोलो बोलो। तो कह रहे कि जरूरी नहीं है। क्या जरूरी नहीं है? लेकिन कर ही लेंगे, मुझे भरोसा है ना कर लोगे, मुझे भरोसा रहता है ना कि कर लोगे, तो मतलब पक्का कर लोगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय टू माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। जो क्वेश्चन लगता है कि तुम लोग नहीं कर पाओगे, वो तुम, मैं पहले ही बोल देता हूँ कि तुम्हें मेरा जरूरत पड़ेगा। अब यहां पर देख लो, बोथ रूट्स कॉमन दिया हुआ, बोथ रूट्स कॉमन, तो अब लगा दो, ये तो बहुत आसान है। बोथ रूट्स कॉमन में तो सिर्फ तुम्हें कोफिशियंट्स के रेशियोज को इक्वल करना है, तो कर डालो और आंसर बताओ। सर k का वैल्यू माइनस टू आ रहा है। और कोई भी बताओ मेरे को, क्योंकि मेरे पास इसका आंसर नहीं है यार। तो थोड़ा सा देख लो, बोथ रूट्स कॉमन मतलब कोफिशिएंट्स को इक्वल कर दो ना, हो जाएगा सर। टू या माइनस टू? ओए टू या माइनस टू, ये क्या मतलब है सर? माइनस टू आ रहा है। और कोई? अरे सर एक मिनट सर, क्वेश्चन कॉपी कर। यहां मेरा तो माइनस टू ही आ रहा है सर। ओके ओके, मैं देख रहा हूँ। जीनत बोलो, सागनिक, जॉर्डी, हर्ष, दीप, सिद्धार्थ। सर आई एम डूइंग सर। ओके, माइनस टू दीप। ओके यार ठीक है, माइनस टू सर। अच्छा ठीक है, माइनस टू सर, माइनस टू सर, माइनस टू, माइनस टू। अच्छा दीप का आंसर है माइनस टू सर, दैट्स गुड यार। यार बोथ रूट्स कॉमन है तो दोनों के कोफिशिएंट्स का रेशियो को इक्वल कर दिया जाए, इतना क्या? ये तो बहुत आसान सा चीज है। ओके अर्पित, दैट्स गुड यार। तो चलो इसका टू यहाँ पकड़ेंगे, और यहाँ बगल में क्या है? कुछ नहीं है तो वन है, पकड़ लो। तो ये हो गया टू बाई वन, विच इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पर बगल में क्या है? वन बाई, यहाँ कितना है कोफिशियंट? वन बाई टू। अच्छा, और इधर क्या है? के बाई माइनस वन। अरे भैया तो तुम डायरेक्टली इसको इससे कंपेयर कर दो ना यार, तो k का वैल्यू कितना आ गया? माइनस टू आया क्या? आ गया क्या, बोलो। यस सर। चलो अब थोड़ा सा तुम लोग शॉक, अगला क्वेश्चन पक्का तुम लोग शॉक हो जाओगे। इफ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल एंड इक्वेशन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस नाइन इक्वल टू जीरो,
हैव अ कॉमन रूट, अ कॉमन रूट है मतलब एक ही रूट कॉमन है, एक ही रूट कॉमन है, क्लियरली बोला उसने, हैव अ कॉमन रूट, फाइंड द रेशियो ए इज टू बी इज टू सी, ये क्वेश्चन ही दिख रहा है, दिखेगा दिखेगा था, रुको 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 बाबा, वो थोड़ा मैं ऊपर कर दे चलो तो क्या लगता है, एक रूट कॉमन दिया हुआ ना, कोई पेन मत चलाना, कोई मैं पेन मत चलाना, मैं बेकार का तुम मेहनत करोगे वो ठीक बात नहीं, देखो मैं तुम्हें पहले दिखाता हूं कि क्या गड़बड़ है। अच्छा चलो पहले मुझे ये बताओ कि यहां पर क्वेश्चन में एक रूट कॉमन दिया हुआ है, क्लियर है बोलो, तो सर एक रूट जब कॉमन होता है तो हमें वो फॉर्मूला लगाना चाहिए, वो कौन सा फॉर्मूला, ब्रैकेट वाला है ना, है कि नहीं, बोलो सब लोग, जी सर, यस सर, हां सर, वो शॉर्टकट वाला भी है, नहीं शॉर्टकट, अच्छा चलो शॉर्टकट वाला भी है ठीक है, बट इसका फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा ना, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कहाँ हो रहा, 9 को तुम क्या फैक्टराइजेशन करोगे, 3 और 3 2 कहाँ बना पाओ, यही बात है ना, ठीक है फैक्टराइजेशन तो नहीं हो रहा, तो चलो वो हटा दो उसको, तो गोली मारो, रहा आपका फॉर्मूला। अब एक बात थोड़ा अपने मन में पूछो कि तुम अगर उस फॉर्मूला को सजा भी देते हो, सजा दोगे, मान लो A1 B1 A2 B2 सब सजा दिया तुमने, फिर भी अपने मन से एक बात पूछो कि यार मेरे पास एक ही इक्वेशन है और मेरे पास 3 अननोन वेरिएबल्स होंगे, फील आया तुम्हें, 3 अननोन वेरिएबल्स A B और C, ये 3 अननोन वेरिएबल्स और एक ही इक्वेशन, ये तो बहुत नाइंसाफी है, ये तुम्हें पता है ना मैथमेटिक्स का वो इक्वेशन सॉल्विंग का जो प्रिंसिपल होता है कि जितना वेरिएबल होगा कम से कम उतना तो इक्वेशन होना चाहिए ना यार, ये पता है ना ये प्रिंसिपल मैथमेटिक्स का, तो जैसे कि फाइनली इक्वेशन इक्वेशन क्या जी ना, सो जस्ट एज इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस वी हैव टू वेरिएबल्स एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट, तो वो तो ठीक है अगर दो वेरिएबल है तो यार कम से कम, और मैथमेटिक्स का ये रूल भी है यार कि अगर मान लो तुम्हारे पास तुमको फाइंड आउट करना है 3 वेरिएबल, तो कम से कम मैं बोल रहा हूँ कम से कम तुम्हारे पास 3 इक्वेशंस तो होनी चाहिए, यू विल डेफिनेटली हैव एटलीस्ट 3 इक्वेशंस, बट यार हाउ इट इज पॉसिबल हियर, यार हियर यू हैव ओनली 1 इक्वेशन, दैट ब्रैकेट वाला इक्वेशन, एंड यू हैव द 3 वेरिएबल्स दैट इज ए बी एंड सी, तो इन हाउ You can find out the value of ABC. अब कैसे करोगे? अब तो यहाँ फंस जाओगे, पक्का फंस जाओगे, क्योंकि 3 वेरिएबल और एक इक्वेशन कभी भी नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। तुम करके देखो, रेशियो बोल रहा है ना दीप, तुम करके देखना, नहीं हो पाएगा दीप, तुम करके देखना, तुम करोगे तो तुम्हें खुद ही डर लगने लग गया कि इतना भयानक इक्वेशन बन जाएगा। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में बात क्या है, सब लोग ध्यान से सुनो, तुम लोग को इतना अच्छा लगेगा ना कि यार ये बहुत गजब का चीज हमने पढ़ा। चलो देखो, कभी भी एक बात और शिवम सर का याद रखना कि वो जो मेरा फॉर्मूला था ब्रैकेट वाला, वो हम कब अप्लाई करते हैं, जब हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल होगा तभी अप्लाई करेंगे, मतलब एक अननोन का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा तभी वो फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे, बट यहां पर तो 3 अननोन है, तो यहां पर थोड़ा अलग ही कुछ बात होगा सर, ऐसे तो नहीं घी सीधा उंगली से नहीं निकलेगा, यहां पर उंगली टेढ़ा करना पड़ेगा, तो क्या टेढ़ा करना पड़ेगा, जरा बच्चा लोग मेरे को इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट बताओ तो क्या आ रहा है, दैट इज बी स्क्वेयर माइनस 4a और c, निगेटिव आ रहा है कि नहीं बोलो तो, निगेटिव। अच्छा सर, आपने अभी तक जितना पढ़ाया है, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होते हैं तो उसके रूट्स कैसे होते हैं, इमेजिनरी होते हैं क्या? एंड द डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0,
whenever the discriminant is negative means to less than zero na. So whenever the discriminant is less than zero, to that particular quadratic equation will have the imaginary roots. Yes or no, everybody? Yes or no? Yes, sir. One more thing, and also there is one more thing behind this. Imaginary roots to hote hi hain, but they always occur in bhai behan pair. Yes or no? मान लिया जाए कि इसका एक रूट आता है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो अपने आप दूसरा रूट क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस आयोटा बीटा हो सकता है ना? बोलो, हो सकता है? मैं रूट निकाल रहा हूं, बस मैंने ये अज्यूम कर लिया, ठीक है? तो एक बात बता, अच्छा क्या ये सच में कॉन्जुगेट पेयर हो सकता है? हाँ सर, हो सकता है, क्योंकि इसके कोफिशियंट्स जो है ना वो रियल है। मैं बार बार ये तुम्हें बोलूंगा, बार बार ये तुम्हारे दिमाग में जाना चाहिए कि कॉन्जुगेट पेयर तभी आता है व्हेनेवर द कोफिशियंट्स आर रियल। तो 1, 2 और 9 आर रियल, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है? अब एक बात बता, क्वेश्चन में हमें एक रूट कॉमन दिया हुआ, अब देखना यहीं से कहानी स्टार्ट होता है। क्वेश्चन में एक रूट कॉमन दिया हुआ है, तो अगर लेट सपोज करो मैंने इस रूट को कॉमन बोला, ठीक है? तो कॉमन का मतलब क्या है कि ये रूट इसका भी रूट होगा कि नहीं होगा? बोलो तो, इसका भी रूट होगा कि नहीं होगा? अब फिर से सुनना, पकड़ के रखना। तो अभी इसका एक रूट तो हमको पता चल गया ना, अल्फा प्लस आयोटा बीटा। और एक बात है सर कि एबीसी हमारा रियल नंबर है, तो तुरंत तुम बोलोगे कि सर इसका दूसरा रूट क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा क्या? बोलो, हो सकता है? फील एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना। हमारे पास पहले ये क्वाड्रेटिक, इधर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है रेड साइड में, उसमें दोनों ही रूट्स इमेजिनरी हैं और कॉन्जुगेट पेयर में है। मैंने किसी एक रूट को जाकर के कॉमन बोल दिया, तो अब मैंने अगर एक रूट को कॉमन बोल दिया तो भैया ये जो रूट है ये तो इमेजिनरी रूट है ना, और इमेजिनरी रूट जो होता है वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आएगा, हमेशा अपनी बहन को लेकर के आएगा, हमेशा। तो ये अकेला तो नहीं आ सकता है सर, मतलब ये जरूर अपनी बहन को लेकर के आएगा, एंड दैट इज अल्फा माइनस आयोटा बीटा। तो घूम फिर के सवाल हमारा चकमा दे रहा था सर, घूम फिर के सवाल हमारा क्या हो गया? बोथ रूट्स कॉमन। आया शॉक लगा? बोलो, समझ सर, कुछ ज्यादा ही जोर का। समझ में सर, लास्ट वाला पार्ट वापस रिपीट करेंगे? यस सर, लास्ट वाला पार्ट सर एक और बार समझाइएगा सर। सर खतरनाक समय आ गया भाई, थोड़ा रुको, एक्चुअली थोड़ा सा खुद सोचो, मैं बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, एक मिनट समझ गए, सांस लेने दो, थोड़ा सा खुद भी सोचो, ठीक है? मैं बता रहा हूँ। तो हम लोग ने राइट वाले इक्वेशन में कॉन्सेप्ट अप्लाई किया और उसी को मिरर करके लेफ्ट वाले में निकाल दिया, उसका उल्टा। फिर हमने राइट साइड वाले में कॉन्सेप्ट अप्लाई किया और पता चला कि इमेजिनरी रूट्स है, इमेजिनरी रूट्स है तो भाई बहन दोनों आएंगे, आ गए दोनों भाई बहन। अब मैंने बोला कि सर क्वेश्चन में एक रूट कॉमन दिया हुआ है ना, चलिए सर अल्फा प्लस बीटा को चलिए तो कॉमन लेके चलिए, चलिए आगे चलिए, तो हम कॉमन लेके चले गए उस तरफ, अल्फा प्लस आयोटा बीटा एक रूट हो गया। अब हमें इतना पक्का पता है कि इमेजिनरी रूट जो होता है वो अपनी बहन के साथ ही ऑकर करेगा, अकेले कभी नहीं आता, उसको डर लगता है, तो वो हमेशा अपनी बहन के साथ आएगा, एकदम पक्का है कि वो अपनी बहन के साथ आएगा ही आएगा। तो सर अल्फा प्लस आयोटा बीटा अगर एक रूट कॉमन है या एक रूट उसका है, तो तुरंत तुम बोलोगे ना कि दूसरा रूट क्या होगा? अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा कि नहीं होगा? बोलो तो, पहले ये बताओ, होगा ना? होगा, बोलो सब लोग, बताओ जीनत। यस सर। घूम फिर के सवाल हमको चखमा दे रहा था कि एक रूट कॉमन है, जबकि सर दोनों रूट कॉमन है ना? बोलो, क्यों हिला डाला ना, देखा ना? तो ये चीज था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा था कि एक रूट कॉमन है, लेकिन यार ये तो सोचता था कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते,
समझ में आया? तो अब तुम आराम से समझ सकते हो कि अगर सर घूम फिर के हमारा सवाल बोथ रूट्स कॉमन पर आ गया है, तो जब कभी भी दो क्वाड्रेटिक्स के बोथ रूट्स कॉमन होते हैं तो a बाई वन इक्वल्स टू b बाई टू इक्वल्स टू c बाई नाइन। अगर तुम्हें a इज टू b इज टू c बोलना है तो तुम क्या बोलोगे? वन इज टू टू इज टू नाइन, दैट इज द आंसर। अरे ये मैंने किसका कंडीशन लगाया? बोथ रूट का ना। बोलो समझ में आ गया क्या? अब समझ में आ गया क्या? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है? हाँ सर। और जो मैंने इमेजिनरी रूट्स को समझाते वक्त पिछले क्लास में बोला था, मैं हमेशा उस पॉइंट पर टिका रहता हूं कि सर बिना कोफिशियंट्स का रियल हुए वो कॉन्जुगेट पेयर हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। तुम दोनों क्वाड्रेटिक को देख लो, क्वेश्चन में ये जबरदस्ती उन्होंने दिया कि ए बी सी रियल है। अगर ये स्टेटमेंट नहीं लिखा होता ना तो ये क्वेश्चन कभी साल दर साल क्या कभी सॉल्व ही नहीं हो पाता, कभी नहीं सॉल्व होता। ठीक है? तो ये सबसे अहम रोल प्ले करता है, ए बी सी रियल होगा तभी तुम्हारे रूट्स कॉन्जुगेट होंगे। आया बात समझ में? घुसा दिमाग में ये बात सब कोई का? अच्छा सर एक डाउट है सर, यहाँ पे आयोटा है ना, तो आयोटा का क्या होगा सर? आयोटा का सर, आयोटा का, आयोटा कहाँ जाएगा वो सर? नहीं आयोटा कहीं नहीं जाएगा, मतलब अरे आयोटा तो हम लोग आयोटा ये प्रूफ करने, हम लोग आयोटा ये यूज कर रहे हैं ना प्रूफ करने के लिए कि दोनों इक्वेशन के रूट सेम नहीं है। ओके 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 okay. अच्छा अच्छा हाँ सर समझ आया। आयोटा तो सिंपल एक टर्म है मेरे भाई। अब तुम ऐसे बोलोगे हाँ से, अगर हाँ इधर रूट है तो इधर रूट, मान लो इधर रूट टू है तो इधर रूट टू है तो सर रूट कहाँ जाएगा? अरे भाई आयोटा को भी ना एक सिंपल सा एक टर्म समझो, एक टर्म है। ठीक है? वही है। आ गया क्या? ठीक है ठीक। हाँ 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 सर। थोड़ा ध्यान रखना तुम्हें मॉड्यूल सॉल्व करते वक्त या तुम्हारा जो टेस्ट वगैरह होगा ना वो पक्का ये इस तरह का क्वेश्चन रहता है, ये पक्का रहता है। तो कैसे पकड़ोगे इस क्वेश्चन को? तुरंत देखना कि सर हमारे पास ना एक ही इक्वेशन होता है जबकि रूट्स, जबकि हमारे पास इक्वेशन हो गया जबकि नहीं नहीं एक ही इक्वेशन होता है और तीन वेरिएबल हो जाए। या सीधा समझना कि अगर तुम्हें फाइंड आउट करने वाला चीज एक से ज्यादा है मतलब जरूर कुछ लोचा है उसमें, और उस लोचा को पकड़ लेना और आंसर दे देना। आया बात समझ में? आ गया क्या यहां तक समझ में सभी को? बोलो आ गया क्या? जल्दी बोलो। हाँ सर, हाँ सर। चलो हाँ सर। ठीक बात, ठीक बात। अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं। नहीं अभी एक और क्वेश्चन तो नहीं, इसमें इतना ही रहता है। बस यही एक चीज बताने के लिए ना ये क्वेश्चन, ये टॉपिक बहुत फेमस होता है, यही बस एक पॉइंट बताने के लिए। जेई कब, जेई बहुत बार यहां से क्वेश्चन बना चुका है, बहुत बार। ठीक है? बस वो सेकंड वाला क्वाड्रेटिक बदल देता है, अदरवाइज बहुत बार क्वेश्चन बना चुका है, बहुत बार बनाया, मतलब इतना बार बनाया कि वो दिमाग में अच्छे से बैठ जाता है किसी का भी। ठीक है? एक और टर्म होता है। ठीक है? वापिस आओ। ठीक है? फिर उसके बाद मैं उस टॉपिक को बताता हूँ। ठीक है? तो जल्दी से ज्वाइन करो, रीज्वाइन करो, क्योंकि फिर मैं नहीं चाहता कि बीच में वो रुक जाए, दैट इज द थिंग। ओके चलो।